नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद के श्रेष्ठ चित्रकार सर्वेश मौर्य द्वारा 25 अगस्त 2024 को सनराइज पब्लिक स्कूल खोजापुर आजमगढ़ में कराए गए आर्ट ड्राइंग कंपटीशन में कुल 168 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में आराध्या यादव कक्षा 7, जानवी पांडे कक्षा 6, प्रार्थना सेठ कक्षा 8, मनदीप कुमार कक्षा 10, आकांक्षा रावत कक्षा 11, साक्षी मौर्य कक्षा 12 आदि विजेताओं को पुरस्कार सम्मान प्रदान करने हेतु 1/9/2024 को माँ दुर्गा मैरिज हॉल ग्राम बुदैता पोस्ट मोहम्मदल्ला आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर गीता सिंह शिक्षक हिंदी विभागाध्यक्ष DABPG कॉलेज आजमगढ़ प्रोफेसर अखिलेश चंद्र शिक्षा संकाय श्री गांधी जी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू सदस्य भाजपा प्रदेश कार्य समिति और वरिष्ठ पत्रकार CIB वसीम अकरम और जय हिंद सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर सभी विजेताओं को साइकिल इलेक्ट्रिक प्रेस पेडेस्टल फैन और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर गीता सिंह शिक्षक ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, आप सभी में यह कूट कूट कर भरी होती है। आप सभी को सर्वेश मौर्य के रूप में एक अच्छा चित्रकार मिल गया है। आइए, आप इनके कुशल नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने अपनी रचना बेटी बेटों से कम नहीं होती भी सुनाई। और इस मौके पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि वे कला जीवन का अंग है और सर्वेश मौर्य के इस कला के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रोफेसर अखिलेश चंद्र ने कहा कि कला भारत में चली आ रही है, एक पुरातन संस्कृति है। हमें गर्व है कि सर्वेश मौर्य इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अपनी पूरी भोजपुरी की प्रसिद्ध रचना लेवे दीहे मोहे जन्म हो सुनाकर श्रोताओं को मनमुग्ध कर दिया। इस श्रेष्ठ आयोजन में सर्वेश मौर्य को प्रोफेसर अखिलेश चंद्र ने अपनी लिखी अनकही कहानी संग्रह द्वितीय संस्करण 2024 भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का अभिभावक सहित रविंद्र यादव, अजय प्रजापति, सुभाष मौर्य, इंद्रसन मौर्य, दिनेश मौर्य, निखिल मौर्य की उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम का सफल संचालन जोसीफा बानो ने किया। इतने शानदार आयोजन के लिए सभी ने सर्वेश मौर्य को बधाई और शुभकामनाएं दी।